नमस्कार, मैं सुदर्शन सुखानी हूं और आज 6 दिसंबर 2020 रविवार है। हम आज निफ्टी में इंट्राडे और स्विंग ट्रेडिंग की बात करेंगे, जो कि कल 7 दिसंबर सोमवार के लिए लागू होगी और कल ही नहीं, हो सकता अगले एक दो दिन के लिए भी कम से कम कोई रुख तो मिलेगा। बाजार न्यू हाइस पर है। हम आपसे ये बात करते आ रहे हैं कि बाजार का ट्रेंड रुख बिल्कुल तेजी का है, इसमें कोई शॉर्ट सेलिंग मत कीजिए। जो मौका पड़े इंट्राडे या स्विंग ट्रेडिंग का, उसमें आप खरीदने का ही मन बना के रखिए। शुक्रवार को बाजार निफ्टी फिर न्यू हाइस पर था, और नहीं न्यू हाइस पर ही नहीं था, न्यू हाइस पर क्लोज भी किया। ऐसा नहीं कि वहां जाके वापस आ गया, वहां गया तो वहां टिका रह गया, एकदम टॉप पर क्लोज किया है। फिर अमरीकी बाजार शुक्रवार रात में तेजी में थे, तो हम कल जब सुबह प्रवेश कर रहे हैं बाजार में व्यापार के लिए, तो हमारे सामने तेजी के रुख बिल्कुल साफ दिखाई पड़ रहे हैं। हम क्या करें, क्योंकि ये तो रुकता नहीं है ना, ये चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। ये तो हमारे समझ में आ गया कि तेजी के रुख में खरीदना चाहिए, लेकिन स्वाभाविक है कहीं ना कहीं जाकर हमको मन में ये भी आशंका होने लगती है कि यार कितने दिन खरीदेंगे। इस प्रश्न का जवाब आप हमेशा मन में रखिए, जब तक बाजार नहीं कहेगा तब तक हम खरीदते जाएंगे और एक ही रुख बना के रखेंगे कि जहां मौका पड़े खरीदने का। इसलिए हम ये मन में लाएंगे ही नहीं कि हम क्या करें, मालूम ही है कि खरीदना है। हम मन में ये लाएंगे कि कहां खरीदना है, उपयुक्त जगह क्या है खरीदने की। हमारे मन में प्रश्न केवल ये होना चाहिए, जो ट्रेंड साफ ऊपर का है वहां पर कोई और सोचने की जरूरत ही नहीं है। तो कल के लिए उपयुक्त जगह क्या होगी? अब देखिए, बाजार है, कल कुछ भी हो सकता है। यहां आज के दिन कहना मुश्किल है कि बाजार किस तरफ जाएगा, पर मैं दो तरीके से इसको देख रहा हूं। एक तो यह है कि 15 मिनट का जो हाई है, अगर उसके ऊपर जाने लग जाए तो कम से कम एक मूव ऊपर की मिल सकती है। वहां अगर बाजार रुकेगा तो हम प्रॉफिट लेके निकल भी जाएंगे। दूसरा, कोई कंसोलिडेशन होगा, हम उसमें खरीदेंगे अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हो गया। और तीसरा, बाजार में कोई करेक्शन आया और करेक्शन आके सपोर्ट पर रुक गया तो हम वहां खरीदेंगे। यानी खरीदने के तीन तरीके हैं, कंसोलिडेशन, अर्ली मॉर्निंग ब्रेकआउट, सुबह सुबह जो ब्रेकआउट होगा उसको, कंसोलिडेशन कभी भी हो जाए और उसके बाद ऊपर जाने लगे तो वो ठीक है, और बाजार में हल्का इंट्राडे करेक्शन आए तो हम करेक्शन जब सपोर्ट पाने लगे तो करेक्शन के नीचे स्टॉप लगाकर फिर प्रवेश करेंगे। क्योंकि हम इतना ऊपर आ गए हैं, सबसे अच्छा तरीका तो यही है कि कोई करेक्शन आ जाए तो हम उसमें प्रवेश कर जाएं, लेकिन बाजार हमारे अनुसार चलता नहीं है। तो मन यही बना के रखेंगे कि कल खरीदना है, कल सुबह क्या बाजार, कहाँ बाजार खुलता है, 15 मिनट के बाद कहाँ जाता है, ये सब बातें तो कल ही समझ में आएगी, पर किस तरह से हम खरीदने के लिए तैयार हैं ये मैंने आपसे साझा की है। अच्छा, ये वीडियोज आपको पसंद आते हैं, आपके कॉमेंट्स जरूर दें। जय हिंद।